देश में 400 पार और मध्य प्रदेश में पूरी 29 की 29 सीट जीतने का दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो बीजेपी का ये दम्भ है या उनका कॉन्फिडेंस है या क्या ऐसी वजह है कि बीजेपी आज ये कह रही कि मध्य प्रदेश की पूरी 29 सीट वो जीतेगी और कांग्रेस को शून्य पर लाकर खड़ा कर देगी? इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट जी और रविंद्र दुबे जी, दोनों अपने अपने क्षेत्र में अपने समय के नामी पत्रकार हैं, उन्होंने बहुत गहराई से मध्य प्रदेश की राजनीति को देखा है, चाहे वो कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो। सबसे पहले शुरुआत हम चैतन्य भट्ट जी से करते हैं, हम लोग चुन्नू भैया भी कहते हैं क्योंकि हम लोगों ने बहुत कुछ चुन्नू भैया से सीखा है। तो चुन्नू भैया, ये बताइए कि इतनी बड़ी पार्टी जिसने एक क्षेत्र राज किया हो, आज मतलब बीजेपी इतना कह रही कि हम एक सीट नहीं जीतने देंगे, और एक जो गढ़ जो होता था आज़ादी के बाद सिर्फ एक बार जहां कांग्रेस हारी है, वो सीट भी मतलब ये हो रहा है कि पता नहीं कांग्रेस जीत पाएगी नहीं पाएगी, तो ऐसी परिस्थितियां क्यों बनी और कांग्रेस की हालत क्यों हुई? देखिए, कांग्रेस का जहां तक सवाल है, मुझे लगता है कि कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं लगातार कमजोर पड़ता गया है। आप देखिए कि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस वक्त तरह तरह के आरोप भ्रष्टाचार के लगे, चाहे वो 2G हो, चाहे 4G हो, चाहे कोयला घोटाला हो, तो कहीं ना कहीं जनता के मन में ये आया कि इतने लंबे समय से जो सरकार चला रहा है देश में, वो अगर भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है तो हमें कोई ना कोई दूसरा विकल्प ढूंढना होगा। और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ताकत बढ़ाने की जो कोशिश की, तो जनता का जो मूड है वो एक नए विकल्प की तरफ दौड़ा। दूसरी बात, जहाँ तक मध्य प्रदेश में 29 सीटें जीतने का सवाल है, तो ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव है। और पिछली बार भी आपने देखा होगा कि विधानसभा में जरूर कमलनाथ की सरकार बनी थी, लेकिन जब लोकसभा का मसला आया तो आप देखो कि 29 में से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में चली गई, मात्र एक सीट जो थी नकुलनाथ की वो भर कांग्रेस के हिस्से में। ज्योतिरादित्य सिंधिया के दिग्गज भी हार गए। वो इसलिए हार गए कि कांग्रेस के प्रति जो मोह था लोगों का, देखिए ट्रेडिशनल वोट तो आज भी है, ट्रेडिशनल वोट कभी इधर से उधर नहीं होता, लेकिन जो फ्लक्चुएट वोट होता है, अभी आप देखो कि जो 18 साल के हुए हैं बच्चे, जिन्होंने पहली बार वोट देने की बात सोची है, उनके सामने कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं है, उन्होंने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का राज देखा। और जब आपके पास कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं होगा तो आपको नहीं समझ में आएगा कि हमको किसको वोट देना चाहिए। तो ये 29 सीटों का जो एक संकल्प है, वो एक बड़ा लक्ष्य लेके चलती है भारतीय जनता पार्टी और तरह तरह के प्रयोग करती है। आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री थे उनको विधानसभा के चुनाव में उतार दिया, वो हार भी गए, सांसद थे वो हार भी गए, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने ये नहीं कि उसको किनारे कर दिया। आप फग्गन सिंह कुलस्ते को देख लें या गणेश सिंह को देख लें, उनको फिर से सांसद की टिकट दी है, क्योंकि उनका ये मानना है कि लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं और विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं। लोकसभा के मुद्दों में व्यक्ति राष्ट्रीय स्तर पर सोचता है और विधानसभा के जो मुद्दे होते हैं वो प्रादेशिक स्तर पर सोचता है। तो ये जो तमाम फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व, जो वर्तमान शीर्ष नेतृत्व पिछले 10 सालों से जो है, वो निर्णय लेने की उसमें बहुत जबरदस्त क्षमता है। दूसरा, उसके साथ एक सबसे बड़ा जो है वो है अनुशासन का डंडा, कि आप कितने बड़े गुटबाज नेता रहे आओ, लेकिन अगर पार्टी ने आपको कोई आदेश दिया है तो आप इधर से उधर नहीं हो सकते। वहीं आप देखो कि कांग्रेस में तमाम क्षत्रप हैं, अपने अपने इलाके के नेता हैं, चाहे वो कमलनाथ हों, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, चाहे आपके दिग्विजय सिंह हों, ये तमाम अपने लोगों को सेट करने में लगे रहते थे। और अपने लोगों को जब आप सेट करोगे तो निश्चित तौर पर उन लोगों को आप किनारे कर दोगे जो जीतने का मादा रखते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा संकट है। और अभी भी आप देखो कि लगातार जो कांग्रेस से लोग छोड़ के जा रहे हैं, उनको ना तो मनाने की कोशिश की जा रही है, ना उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। कोई कह रहा है कि ये तो कचड़ा था, कचड़ा चला गया। अरे भाई, कचड़ा था तो आप इतने लंबे समय तक उसको गले से क्यों लगा के रखे थे? ये बात ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी भी उनको 3 कचड़ों के डिब्बे में मान रही है कि एक गीला कचड़ा है, एक सूखा कचड़ा है, एक मेडिकल वेस्ट है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद देखो कि आप बड़े बड़े, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया का मसला आप देख लें, ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर किसी मुद्दे को कह रहे हैं कि भाई अगर ये काम नहीं होगा तो मैं सड़क पर उतर जाऊंगा, तो कमलनाथ अहंकार से कह रहे हैं कि हाँ जाओ, सड़क पर उतर जाओ। ये एक बड़ा दुखद तथ्य है कांग्रेस के साथ कि उनको किसी बात की चिंता नहीं। और मुझे तो लगता है कि कांग्रेस ने अब ये सोच लिया कि अब हमारी कोई सत्ता आना है नहीं, जो जहां जाना चाहता है चला जाए, और ना वो उतनी ऊर्जा के साथ लड़ना चाहते, पहले से ही हथियार डाल दिए। हथियार डाल दिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मध्य प्रदेश की आप बात करो तो हथियार डाल दिए। बात जरूर है कि अभी वो कह रहे हैं कि हम मध्य प्रदेश में 5 से 7 सीटें जीत जाएंगे, लेकिन जो स्थितियां हैं और परिस्थितियां हैं, जिस तरह से मोदी मैजिक चल रहा है या मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं,
और जिस तरह से बिना किसी स्वार्थ के भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है उसमें और कांग्रेस के कार्यकर्ता में ये फर्क है कि वो अपने अपने स्वार्थ के हिसाब से काम करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी का जो है कार्यकर्ता है वो एक तो अनुशासन से बंधा हुआ है, दूसरी तरफ चूंकि सत्ता है उनके साथ तो वो पूरी ताकत से लगता है कि सत्ता हमारे यहाँ से न छूट जाए, क्योंकि सत्ता में रहने का कहीं ना कहीं फायदा चाहे वो छोटा कार्यकर्ता हो चाहे बड़ा नेता हो मिलता है। तो ये चैतन्य मिट्टी जी का कहना है कि जो छत्रप की राजनीति या कांग्रेस में जो अलग अलग गुट हुआ करते थे उसने बहुत नुकसान पहुंचाया और उस वजह से आज ये स्थिति। हम रविंद्र पूछते हैं, रविंद्र ये बताइए कि जो मोदी मैजिक की बात की जा रही है, मोदी मैजिक तो 2014 से आया है लेकिन मध्यप्रदेश हम देखते हैं कि कांग्रेस की हालत तो उसके पहले से ही खराब होती चली जा रही, तो क्या ऐसी वजह थी कि कांग्रेस को समझ नहीं पाई और वो बीजेपी के सामने एकदम से मतलब ये स्थिति हो गई कि वो टिकने की कहीं स्थिति मिली है? देखिए जब से हमको थोड़ा सा इसमें पीछे जाना चाहिए कि 89 में जब बीपी सिंह वहां से निकल कर आए, कांग्रेस से निकल कर आए और उन्होंने बकोर टोप का मामला उठाया, उस समय राजीव गांधी 400 से ज्यादा सीटें जीते थे देश, पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक कांग्रेस थी, हालांकि वो इंदिरा गांधी के प्रति हत्या हो गई थी तो उन्होंने सहानुभूति ले रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी राजीव गांधी को जिस तरीके से सत्ता मिली और बीपी सिंह उससे नाराज होकर बाहर आए। देखिए बीपी सिंह ने जब सत्ता ली और उन्होंने मंडल आयोग लागू किया तो मंडल आयोग लागू होने से ओबीसी और जो दलित वोट था वो कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोट था, वो कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोट होने की वजह से वो छिटक गया उसके पास से, कहीं बहुजन समाज पार्टी के पास चला गया, कहीं जनता दल के पास चला गया, जनता दल के कई टुकड़े हो गए, लेकिन उसके बाद भी वो बिहार में राजद के साथ है, यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ है, उड़ीसा में बीजू के साथ है, वहाँ देवेगौड़ा के साथ है, वहाँ हरियाणा में देवेगौड़ा उसे चौटाला परिवार के साथ है। तो देखिए वहाँ जो कांग्रेस का वोट बैंक था वो शिफ्ट हो गया, देखो समाजवादी जो विचारधारा का वोट था या सेकुलर मतों का वोट था वो चला गया। अब इसी बीच में क्या हुआ, 92 में मस्जिद गिर गई, 92 में उसमें नरसिंहा राव की सरकार थी, आरोप ये लगा कि साहब नरसिंहा राव सरकार ने उसको शहीद कर दी, जो उसका ट्रेडिशनल वोट था 3 वोटों पर वो ज्यादा चलती थी, ओबीसी बैक दलित और मुसलमान अल्पसंख्यक वोट, तो अल्पसंख्यक वोट उससे शिटक के चला गया जब 89 में चला गया। तो आप देखिए धीरे धीरे जब कांग्रेस की है वो सीटें 193 राजीव गांधी ने जीती थी, उन्होंने सरकार नहीं बनाई थी, उन्होंने बोला था हमें विपक्ष में बैठना है और हम बाद में सत्ता में आएंगे, वो राजीव गांधी की एक गलती थी, सैद्धांतिक रूप से ऐसा नहीं होना चाहिए रहा, जो बड़ा दल था उसे सरकार बनाना चाहिए रहा, जो आज की राजनीति का गणित कहता है प्रकार सत्ता में बने रहो, तो राजीव गांधी ने सबसे पहली गलती वहां करी। उसके बाद जब सोनिया गांधी का मुद्दा आया, राजीव गांधी की हत्या के बाद जब सोनिया गांधी का इशू आया तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय से बीजेपी का हिंदी बेल्ट में प्रभाव पड़ने लगा रहा, जिस तरीके से राम मंदिर का आंदोलन आया और बीजेपी ने अब की बारी अटल बिहारी का नारा दिया, उससे बीजेपी हिंदी बेल्ट में बहुत ज्यादा मजबूत हो गई और जय श्री राम के नाम पर उसका वोटों का ध्रुवीकरण बहुसंख्यक वोट का हो गया, उसमें बहुत सारा ओबीसी का तबका भी बीजेपी के साथ चला गया। लेकिन 2004 में तो कांग्रेस ने सरकार बनाई, अटल बिहारी वाजपेयी का जो साइनिंग इंडिया कैंपेन था फेल हुआ, लेकिन 2004 में भी मध्य प्रदेश में सिर्फ 4 सीटें जीत पाई कांग्रेस, तो जब इतना देश में आप सरकार बनाने की स्थिति में मध्य प्रदेश में आप 4 सीट पे 25 में सिमट गए। देखिए हिंदी बेल्ट में वही बात आ रही है कि ओबीसी बेल्ट और जो श्रीराम अयोध्या आंदोलन था, रथ यात्रा निकली थी, अडवाणी जी की रथ यात्रा निकली थी, वो 1993 तक लगभग यही माहौल था, आप समझिए कि 1993 में कोई बोलने वाला नहीं था, बाबरी मस्जिद के ढहाए जाने के बाद बीजेपी की यहाँ से 5 राज्यों की सरकारें बर्खास्त कर दी गई थी, तो बीजेपी ने नारा दिया। देखो बीजेपी शुरू से नैरेटिव सेट करती है, आज 5 प्रदेश कल सारा देश उसका नारा दिया था, हालांकि वो सरकारें नहीं बना पाए लेकिन कांग्रेस उसमें सत्ता बना ले गई, दिग्विजय की यहाँ सरकार बनी 93 में और 98 में लगातार दिग्विजय सिंह की सरकार बनी, तो यह राज्यों के साथ कांग्रेस ने संगठन पे जोर नहीं दिया कभी। देखिए कांग्रेस का बहुत ज्यादा लोकतांत्रिक होना ही उसके लिए हानिकारक है, कांग्रेस ये कहती है कि हमें बोलने की आजादी देते हैं तो दिग्विजय के खिलाफ भी लोग बोलते थे, वहां छत्रप हुआ करते थे वो एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते थे, और बीजेपी में जहां डिक्टेटरशिप है, जहां बोलने बताने की आजादी के लिए, देखिए वहां भी बहुत ज्यादा नाराजगी असंतोष है, लेकिन वो पार्टी के भीतर ही वही लड़ते रहते हैं और ये बहुत कम लोग मीडिया में, आज अभी लोकसभा की टिकटों के बारे में भी आप हम पढ़ रहे थे 8 या 9 सीटों पर बहुत ज्यादा असंतोष है बीजेपी के खिलाफ, लेकिन वो मीडिया में नहीं है, उसके अलावा उनके पार्टी के संगठन में भी लोग जाते हैं मनाते, पीछे से आरएसएस के लोग जाते हैं मनाने के लिए, आप असंतुष्ट हैं आपको कुछ कर दिया जाएगा, आपके कहीं पार्टी में दे दिया जाएगा, कहीं निगम मंडल मिले, कांग्रेस के पास ऐसा कोई चैनल नहीं है जो असंतुष्ट को मनाने का काम करता है, ये उसके पतन का कारण धीरे 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 है, तो इसका पतन का कारण बना। तो देखिए ये जो कांग्रेस में है, ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है जो कांग्रेस कहती है उसको, लेकिन वही एक वजह हो सकती है कि उसमें कोई नियंत्रण नहीं, कोई मैकेनिज्म नहीं है कि अपने रूठे नेताओं को मनाए या उनको रोकने को सके। हम चैतन्य मिट्टी से बात चुनु भैया, ये देखिए कि ये जो बीजेपी है जो पहले 27 सीट जीती 2014 में,
2019 में 28 सीट जीती और अब 29 सीट। इवन कमलनाथ जैसे दिग्गज नेता जो मतलब एक तरह से कहते थे कि किविदंती बन चुके थे, छिंदवाड़ा में एक चुनाव सिर्फ हारा उपचुनाव उन्होंने और आज़ादी के बाद सिर्फ एक बार वो सीट कांग्रेस आ रही है, आज वो भी संघर्ष कर अपने बेटे को चिताने के लिए, ऐसी क्या परिस्थितियां बन गई है? बीजेपी ने ऐसा क्या चक्रव्यूह दिया? देखिए जो अभी लोकतंत्र की बात हो रही ना, कांग्रेस में लोकतंत्र है ऐसा कांग्रेस के कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि लोकतंत्र अराजकता में बदल गया। और जब कोई पार्टी में अराजकता हो जाती है तो आप ये मान के चलिए कि उस पार्टी का पतन निश्चित है। कमलनाथ की जहां तक बात है, निश्चित तौर पर 4500 वर्षों से वो वहां पर रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, लेकिन वहां के लोगों का ये मानना है कि कमलनाथ में और नकुलनाथ में बड़ा फर्क है। कमलनाथ ने बहुत काम किया है वहां पर और इसलिए आप देखो कि छिंदवाड़ा मॉडल एक मॉडल के रूप में माना जाता है और उनका हर घर से हर परिवार से कहीं ना कहीं एक पारिवारिक संबंध है। लेकिन नकुलनाथ ने अभी राजनीति शुरू की है, पिछले वर्ष पिछले जो लोकसभा चुनाव में राजनीति शुरू की है और कमलनाथ की छाया में रह के अगर कोई व्यक्ति अगर इस तरह की राजनीति कर रहा है तो वो ठीक है कि कमलनाथ को लोग चाहते हैं वहाँ पे, लेकिन जब नकुलनाथ की बात आती है तो कहीं ना कहीं लोगों में एक ये लगता है कि यार परिवार 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 जैसा कांग्रेस पे आरोप लगता है। छायावाद वाली राजनीति का तो चलन चल रहा है, बीजेपी में तो मोदी की छाया में सब जीते जा रहे हैं। देखिए मोदी और कमलनाथ में बड़ा फर्क है, मोदी पूरे देश में छाया तैयार कर रहे हैं और कमलनाथ की सिर्फ एक सीट पे छाया है। तो मोदी मैजिक जो है, मोदी का जो एक तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से धारणा बनाती है, नैरेटिव सेट करती है और उसको जिस तरह से प्रचारित करती है, वो एक बहुत बड़ा तरीका है उनके पास। जैसे 400 पार, अब 400 पार का नारा पिछले 6 महीने से चल रहा, तो एक मनोवैज्ञानिक दबाव या तो मतदाता पे ही पड़ता कि यार जो पार्टी 400 की बात कर रही है इतने कॉन्फिडेंस के साथ, तो हो सकता है 400 ना मिले लेकिन 350 तो मिल सकती है। हाँ। इतनी दमदारी कांग्रेस हो या इंडिया इंडिपेंडेंट, वो तो कोई बात ही नहीं कर रहे कि हमको कितनी सीट मिलने वाली। तो जब आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ आक्रामक तरीके से कोई चुनाव लड़ते हो तो निश्चित तौर पर उसका फायदा मिलता है। और दूसरा, पिछले 14 से लेके आज तक की स्थिति में मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी का जो एक उन्होंने अपना एक प्रभा मंडल बनाया, आभा मंडल बनाया है, जिसमें तमाम दूसरे नेता गौण हो गए हैं और सिर्फ एक नरेंद्र मोदी का चरित्र, इवन भारतीय जनता पार्टी भी नरेंद्र मोदी से पीछे जा चुकी है, जो जो मतलब उसकी विचारधारा के विपरीत है, जबकि वो संस्था को महत्व देते हैं लेकिन व्यक्तिवादी हो गई है। और उनके चेहरे पे और हर आदमी को लगता है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पे हम जीत जाएंगे, कहीं, और हुआ भी है। कहीं भी किसी कैंडिडेट की फोटो नहीं दिख रही, नहीं तो वो इसलिए नहीं दिख रही है कि ऊपर देखिए वहां तो ये स्थिति है कि आपको अगर भाषण देना है या अपनी कुछ बताना है तो आपको उस भाषण में कम से कम 10 बार माननीय नरेंद्र मोदी का नेतृत्व या उनका आशीर्वाद लिखना बताना जरूरी होता है। तो जब एक व्यक्तिवादी संस्था हो गई है, लेकिन उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। कैंडिडेट कहता है कि हम ज्यादा हल्ला उदम ना भी करें, कहीं जाए भी नहीं, तो भी हम नरेंद्र मोदी के नाम पे जी जाए। तो ये एक जो आभा मंडल बनाया नरेंद्र मोदी ने, अब उसके पीछे मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है और आपका प्रचार तंत्र बहुत जबरदस्त है, सोशल मीडिया का भी बहुत हाथ है। कांग्रेस में आप देखो किसी कोई सोशल मीडिया पे रहता ही नहीं, ना कोई फेसबुक पे है ना व्हाट्सएप पे है। तो संगठन भी एक बहुत बड़ी मजबूत चीज होती है, कोई भी संगठन जो है वो ही पार्टी को सत्ता में पहुंचाता है। जब आपका संगठन कमजोर, अब आप देखो जीतू पटवारी को कब बनाया उन्होंने अध्यक्ष, जब बिल्कुल लोकसभा का चुनाव सामने, आज की तारीख में वो ना तो पूरे प्रदेश में दौरा कर पाए हैं ना अपनी टीम बना पाए। यही हाल जबलपुर में आप देख लो, 3 महीने पहले नगर अध्यक्ष पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में चला गया लेकिन अध्यक्ष नहीं बनाया गया, कहा गया कि बना रहे हैं। तो ये जो लिंगर ऑन करते हैं ना, आपको निर्णय लेना चाहिए चाहे वो गलत हो चाहे सही। भारतीय जनता पार्टी यहाँ का शीर्ष नेतृत्व तो ये है कि निर्णय लेता है और प्रयोग करता है, हो सकता है उसमें नुकसान हो लेकिन प्रयोग करता है और निर्णय लेता है और ड्रास्टिक एक्शन लेता है, तो वो लोगों को पसंद आता है। ये ढुलमुल वाली नीति, विधानसभा में हारे लोगों को भी लोकसभा की टिकट बिल्कुल दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं उनको। अच्छा, दूसरा एक सबसे बड़ी जो कार्यकर्ता के मन में एक आशा जगाई है नरेंद्र मोदी ने कि किसी भी कार्यकर्ता को हम बहुत ऊपर ले जा सकते हैं। जैसे आप हमारे जबलपुर में देखो पार्षद सुमित्रा वाल्मीकि, उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि हम राज्यसभा चले जाएंगे, बालाघाट में पार्षद को टिकट दे दी भारती पार्टी को। तो ये जो कार्यकर्ताओं में एक लगता है कि हाँ यार हमको भी मौका मिल सकता है, किसी की भी लॉटरी। कांग्रेस में ये नहीं, कांग्रेस में उन्होंने कहा कमलनाथ के आदमी तो उन्हीं के चले छपाटियों को टिकट मिलेगी या दिग्विजय सिंह के लोगों को मिले। तो ये जो बहुत बड़ा बुनियादी फर्क हो गया है उसके कारण कांग्रेस का पतन लगातार हो रहा है। और कांग्रेस अगर अभी भी नहीं अपने संगठन को मजबूत करेगी, अपने निर्णय लेने की क्षमता नहीं बढ़ाएगी, तो मुझे लगता है कि आगामी 2-4 साल में कांग्रेस का वजूद ही खत्म। मध्य प्रदेश का तो देखिए बीजेपी जो है कार्यकर्ता को महत्व देती है, संगठन उसके लिए महत्वपूर्ण है। भले ही मोदी जी का चेहरा आगे हो लेकिन फिर भी बैकग्राउंड में संगठन
उतनी ही मजबूती से काम कर रहा है। तो हमें एक आखिरी सवाल रवि जी से, रवि जी बताइए, लोकसभा चुनाव के परिणाम लगातार कांग्रेस के खिलाफ जा रहे, लेकिन 2018 में विधानसभा में जीत के सरकार बना ली, इस बार भी बात हो रही थी कि सरकार बनाने की स्थिति में, और एक बार जब सुरेश पचौरी 2008 में प्रदेश अध्यक्ष थे तब भी लगभग मतलब सरकार बनाने की स्थिति पहुंच गई, लेकिन विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन करने वाली पार्टी लोकसभा में क्यों टाइम टाइम पर सो जाती है? देखिए, उनके पास राष्ट्रीय स्तर पर वो चेहरा और वो नैरेटिव सेट करने वाली स्थिति नहीं बन पाई है। ठीक है, मनमोहन सिंह ने जरूर प्रधानमंत्री बना दिए गए, लेकिन वो एकेडमिक थे, नॉन पॉलिटिकल थे। उनकी जगह कोई पॉलिटिकल बनता, जिस तरीके का वहाँ झगड़ा चल रहा था कि साहब किसी पॉलिटिकल आदमी को प्रधानमंत्री बनाया दूसरे दौर में, यदि चिदम्बरम को बनाया गया होता या किसी और को, चाहे प्रणब मुखर्जी को बनाया होता, तो वो पॉलिटिकल और वोट बैंक के बारे में सोचते, राजनीतिक समझ होती है इसको, राजनीतिक वोट बैंक का कि वोट कैसे बनेगा, हमारा संगठन कैसे खड़ा होगा, उसके लिए फंड कहाँ से आएगा, ये तमाम चीजें कांग्रेस में यदि उनने सोची होती, सॉरी मनमोहन सिंह ने, तो ये परिस्थितियां नहीं बनती। अब देखिए, संसाधन की कमी की बात कांग्रेस कर रही है, वो इतने साल सत्ता में रही, उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास कार्यालय नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी यदि मनमोहन सिंह ने जब लिबरलाइजेशन लेकर आया और उसके बाद पार्टियों देश का आर्थिक हालात बदले हैं, उस बात को प्रचार नहीं कर पाई। एनएचआई राजीव गांधी ने बनाया, लेकिन आज तक कोई बता नहीं सकता 1988 में पहली बार एनएचआई का गठन हुआ, ये कोई बताने तैयार नहीं है। तो जो कांग्रेस है वो अपनी बातों को खुद बताने में पीछे है, यदि वो अपने तरीकों को प्रचार, देखिए मोदी जी एक बात करते हैं वो दिल्ली में बैठ के कहते हैं, वो उनका ब्लॉक लेवल का भी आदमी वही बात कहता है, और राजीव गांधी की जगह अब राहुल गांधी का ले लीजिए, राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, वो किन मुद्दों को ले रहे हैं, वो उनने बोल दिया, कार्यकर्ता बड़ा खुश हो जाता है। अब देखिए, 1,00,000 रुपए महिलाओं को सालाना मिलेगा, ये बहुत अच्छी योजना कांग्रेस ने डिक्लेयर की, लेकिन क्या प्रचार है? नहीं है। उसकी जो 6 न्याय यात्रा है, वाकई में यदि उसकी बात की प्रचार किया जाए तो कहीं प्रचार ही नहीं है। तो यदि आप उसको प्रचार तंत्र को नहीं लगाएंगे, आपका ऊपर से लेकर राष्ट्रीय स्तर से लेकर ब्लॉक लेवल तक का नेता, छोटा सा कार्यकर्ता उन बातों को प्रचारित नहीं करेगा, तब तक आपका सर्वाइवल मुश्किल है। मतलब अंतिम ये कि लीडरशिप का अभाव है कांग्रेस में अभी, लीडरशिप है, उन्हें अभी अपने आप को सुधारना है, तो सामूहिक नेतृत्व लेकर आना चाहिए, और वो सर पूरा राजनीतिक तरीके से सोचे कि पार्टी को कैसे सर्वाइव किया जाए, और सिर्फ लहर और आंधी के भरोसे जिंदा नहीं रह सकता। तो देखिए, कांग्रेस केवल लहर और आंधी के भरोसे सत्ता नहीं पा सकती, उसको ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ेगा और एक स्ट्रांग लीडरशिप लानी पड़ेगी, तभी वो सर्वाइवल कर सकती है, वरना वो मध्य प्रदेश जैसे हिंदी पट्टी हिंदी भाषी राज्यों में उसके लिए आने वाला समय और कठिन हो सकता है। अजय त्रिपाठी, ABP News, जबलपुर।